So let us start some more examples related to the basic strength. Okay. So I'm taking some more examples as we have already done certain examples in the previous session. So let's do some more examples. If I'm taking or this molecule A, this molecule B, this molecule C, this molecule D. Okay, so we have to compare the basic strength of all these four molecules, right? So सबसे पहले check करो कि lone pair localized है या delocalized है, ठीक है? So in this case we can see that डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस पे जाएगा, दैट मींस ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है? डबल सिंगल लोन पेयर मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, सो दिस इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, राइट? नाउ इफ वी सी दिस वन, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, आई मीन दिस लोन पेयर इज नॉट एट ऑल्टरनेट पोजिशन विद एनी ऑफ द पाई बॉन्ड्स, ये लोन पेयर क्या होगा, ये localized होगा, ठीक है? Similarly ये lone pair देखो, यहाँ पे भी कोई conjugation का criteria नहीं है, so this lone pair is also localized, है ना? So obviously we know that, अभी मैंने क्या बोला, जब lone pair localized होता है तो इसका मतलब वो उस atom पे हमेशा क्या होता है, present होता है donation के लिए. अगर मान लो इसको कोई acid आके मिले H+, तो H+ जाकर के इस lone pair के साथ directly क्या करेगा, reaction करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा available है. बट यहाँ पे अगर एसिड आना चाहे तो दिस लोन पेयर इज सिंस इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, तो ये हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, राइट? इसीलिए इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर जो है, इट इज मोर बेसिक दैन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर. सो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सी एंड डी का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ए और बी से ज्यादा है. नाउ लेट अस कंपेयर हाउ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर रिलेटेड, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए और बी को, देखो तो ए में रेजोनेंस क्या है, ज्यादा होगा ना, डबल सिंगल, आई मीन लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब ये लोन पेयर जो है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे या इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा. अगर इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, मोर डीलोकलाइजेशन, तो लेस अवेलेबल. अगर डीलोकलाइजेशन ज्यादा है तो इट इज लेस अवेलेबल, और अगर लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन क्या होगा, इट इज लेस बेसिक कंपेयर टू बी. बी के कंपेरिजन में ये क्या होगा, लेस बेसिक, तो बी क्या होगा, मोर बेसिक. सो वी कैन से दैट ए का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बी से कम है, ए का बेसिक स्ट्रेंथ बी से क्या होगा, कम होगा. सो बी इज मोर बेसिक कंपेयर टू ए. नाउ हाउ टू कंपेयर बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी को कंपेयर करना है तो सी एंड डी को देखो क्या होगा, सी बी लोकलाइज्ड है, डी बी लोकलाइज्ड है, बट देन इफ यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा क्लास, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, लेट अस मेक हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना नाइट्रोजन की. सो अगर आप यहाँ पे अभी क्या देखो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सो नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सो दैट मीन्स sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा है, सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, है ना, एंड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन. तो क्या होगा, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन विल बी मोर अट्रैक्टेड, और इट विल बी स्ट्रॉन्गली हेल्ड, राइट,
ये ज्यादा स्ट्रांगली नाइट्रोजन के अट्रैक्शन में रहेगा, तो इसका डोनेशन क्या होगा, कम होगा, लेस डोनेशन। सो ये क्या होगा, लेस बेसिक। और ये वाला क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। सो दैट मीन्स डी इज मोर बेसिक कंपेयर टू सी। तो डी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सो डी इज मोर बेसिक कंपेयर टू सी। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी हैव कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। तो ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर ली, ठीक है ना क्लास? ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में आपके पास दो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन्स हैं, एंड आई एम कंपेयरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू नाइट्रोजन्स। मतलब यहाँ पे इसको अगर मैंने बोल दिया, लेट्स सपोज ए बोला और इसको बी बोला, नाउ वी हैव टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू डिफरेंट नाइट्रोजन्स। क्योंकि अगर एसिड होगा एच प्लस और ये बेस है, बेस यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं और ये एसिड है, एसिड या तो इसके ऊपर जाके एच प्लस अटैक करेगा या तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा नाइट्रोजन होगा, लेट्स सी दैट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो दोनों ही केस में नाइट्रोजन जो है वो लोकलाइज्ड है। सबसे पहले देखो ये वाला नाइट्रोजन भी, दिस इज अगेन क्लास याद रखना, ये बिल्कुल पिरिडीन वाला केस है। इफ यू ऑल रिमेम्बर पिरिडीन, पिरिडीन में मैंने लोन पेयर को क्या बताया था, लोकलाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये जिस ऑर्बिटल में होता है वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है, राइट? सो दिस इज लोकलाइज्ड। एंड एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी, ये भी बिल्कुल आप अगर देखो यहाँ तक तो ये पिरिडीन जैसा ही है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू पिरिडीन। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना नाइट्रोजन की, तीन बॉन्ड्स। ठीक है, सो वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, लोकलाइज्ड है। सिमिलरली ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी क्या है, ये भी लोकलाइज्ड है। ठीक है, अब दोनों लोकलाइज्ड हो गए। एंड इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो दोनों ही नाइट्रोजन जो है वो क्या है, दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला नाइट्रोजन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों लोकलाइज्ड हो गए, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। नाउ हाउ टू डिसाइड, सो वी कैन वेरी क्लियरली सी कि यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाउ ऑक्सीजन जो है वो इस वाले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे है, और इस वाले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में वो मेटा पोजिशन पे है, राइट? नाउ अगर इस नाइट्रोजन, अभी आप अगर सिर्फ इस वाले रिंग की बात करो, यहाँ तक देखो, इस रिंग को देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम क्या देख सकते हैं, दैट ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में सिंस मेटा पोजिशन पे है, तो मेटा पोजिशन पे ऑक्सीजन जो होता है वो सिर्फ इंडक्टिव लगाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये लगाएगा नाइट ऑक्सीजन माइनस आए। ऑक्सीजन कौन सा इंडक्टिव लगाता है, माइनस आए। सो इस नाइट्रोजन पे वो क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। और माइनस आई क्या कर रहा है, माइनस आई से उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस नाइट्रोजन, अगर आप इस नाइट्रोजन को देखो तो इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन इज एट पैरा पोजिशन, और पैरा पोजिशन पे कौन से इफेक्ट्स लगते हैं, माइनस आई एंड प्लस एम। मतलब जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, तो आप बहुत क्लियरली देख भी सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द प्लस एम ऑफ दिस ऑक्सीजन, राइट? ड्यू टू द प्लस एम ऑफ दिस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
सो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, आई मीन माइनस आई और प्लस एम में डोमिनेटिंग कौन सा होता है, प्लस एम होता है. सो ओवरऑल ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो टेंडेंसी फॉर डोनेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा. टेंडेंसी फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो ये ज्यादा बेसिक होगा और ये वाला क्या होगा, कम बेसिक होगा. सो इफ वी कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, सो आउट ऑफ दीज टू कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, व्हिच वन विल बी मोर बेसिक. ए इज मोर बेसिक कंपेयर टू बी, इज दैट क्लियर. ठीक है, सो वी हैव टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन द एक्वस फेज. मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है एक्वस फेज. ठीक है, अगर हम गैशियस फेज की बात करें, सिंपली आई एम बिफोर स्टार्टिंग विद एक्वस फेज, अगर मैं गैशियस फेज की बात करूं तो गैशियस फेज में टर्शरी अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी अमीन एंड देन प्राइमरी अमीन और फिर अमोनिया. ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी में आपके प्लस आई वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं और प्लस आई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है. टर्शरी में मैक्सिमम प्लस आई वाले ग्रुप्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा एंड इट हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना इजीली डोनेट करेगा, बहुत अमीर है, बहुत इजीली दे सकता है. ठीक है, एंड अमोनिया के पास कोई भी ऐसा प्लस आई वाला ग्रुप नहीं था, देयरफॉर दिस इज लीस्ट बेसिक. बट अगर यही चीज हो जाए कि हमें अगर इनका एक्वस फेज में, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो देखो याद रखना एक चीज, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर, बिकॉज ये केबी प्रैक्टिकली डिटरमिंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेस्ड ऑन दी केबी वैल्यू. सो व्हेन आर ग्रुप इज, व्हेन आई एम टॉक नाउ आई एम टेकिंग इन द एक्वस फेज, इन एक्वस फेज अगर आर ग्रुप, देखो आर ग्रुप अगर यहाँ पे क्या हो जाए, आपका मिथाइल हो जाए. ठीक है, व्हेन आर ग्रुप इज मिथाइल, मिथाइल इज CH3, और प्रोपाइल दैट इज CH2, CH2, CH3. ठीक है, और ब्यूटाइल, ब्यूटाइल इन शॉर्ट BU, प्रोपाइल इन शॉर्ट PR, मिथाइल इन शॉर्ट ME. एंड ब्यूटाइल आपको पता ही है CH2, 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 CH3. अगर R ग्रुप यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल होगा तो जो KB ऑर्डर होगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा इन द एक्वस फेज, वो क्या होगा, वो होगा सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी, देन होगा प्राइमरी, देन होगा टर्शरी. ठीक है, एंड देन अमोनिया. 213, 213 ये याद रखना, रिमेम्बर दिस. देन सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा एंड देन टर्शरी होगा. 213, 213 याद रखना, दिस इज द ऑर्डर इन द एक्वस फेज. क्योंकि एक्वस फेज में क्या होता है ना, एक्वस फेज में अपार्ट फ्रॉम लाइक कंसिडरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड इन टर्म्स ऑफ की पॉजिटिव चार्ज या कटायन कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वहां पे हम हाइड्रेशन इफेक्ट भी देखते हैं. ठीक है, वहां पे हम हाइड्रेशन इफेक्ट भी देखते हैं, और हाइड्रेशन इफेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपके प्राइमरी में और देन सेकेंडरी देन टर्शरी. तो एक इफेक्ट होता है हाइड्रेशन, एक होता है प्लस आई वाला ग्रुप, और तीसरा इफेक्ट होता है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस. तो एक्वस फेज में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इनके बेसिक स्ट्रेंथ को ओवरऑल डिटरमिन करने में हेल्प करता है. ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, एक्वस फेज में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है आपका प्लस आई वाला कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर. और तीसरा होता है
हाइड्रेशन, ठीक है, एंड ये सारे फैक्टर्स मिल करके वहां पे उसके ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे CH3NH2 है, एक्वस फेज में एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये आपका बेस और ये एसिड, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH3NH3+, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया. दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस, राइट, NH3+, ठीक है. एंड ठीक है, अगर आप यहीं पे सेकेंडरी ले लेते हो, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनता है, CH3, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बना. आपने अगर टर्शरी ले लिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बना, ठीक है. एज आई सेड, यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट. अगर आप कॉन्जुगेट एसिड को अभी कंपेयर करो, तो यहाँ पे प्लस आई सिर्फ एक तरफ लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई दो साइड से लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई जो है वो तीनों साइड से लग रहा है, ठीक है. तो प्लस आई के हिसाब से, टर्शरी अमीन जो है वो क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लस आई. टर्शरी शुड बी मोस्ट बेसिक. देन एज आई सेड कि यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक फैक्टर, मतलब H+ एसिड बेस का रिएक्शन कितने इजिली हो रहा है. एसिड के सामने ही ये बेस बनेगा, जब तक एसिड नहीं होगा तब तक ये बेस नहीं है, राइट. तो जब H+ आके इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो कितना इजिली उसके ऊपर अटैक कर सकता है, दैट इज द स्टेरिक फैक्टर. यहाँ पे NH2 जो है, ये सिर्फ एक CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, CH3, और सिर्फ ऐसा CH3 नहीं होता, वो स्पेस में फैला हुआ ग्रुप होता है, ये ऐसा कुछ ग्रुप होता है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे दो CH3 है, तो इसके अराउंड जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और इसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा. तो सबसे इजिली H+ कहाँ पे अटैक कर सकता है, बेस पे, ए में कर सकता है. तो स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी होना चाहिए. नाउ वी कैन सी दैट कि प्लस आई के हिसाब से ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, और यहाँ पे मैक्सिमम प्लस आई था. सो यू कैन सी द कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स, राइट. नाउ हियर कम्स अनदर फैक्टर व्हिच इज हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन कितना हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रेशन क्या है, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, ये जो एच है, दिस एच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी, क्योंकि एक्वस फेज में तो पानी ही होगा, पानी के साथ ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्पीशीज को स्टेबलाइज करेगा. तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जो हैं इस कॉन्जुगेट एसिड के, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से मैक्सिमम मैक्सिमम हाइड्रेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, उस हिसाब से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड. देयरफॉर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी. सो यू कैन सी दैट देयर आर थ्री फैक्टर्स, और ये तीनों फैक्टर्स जो है वो काफी डिफरेंट है ना. तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वो क्या होता है, प्राइम, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, देन प्राइमरी, एंड देन टर्शरी, एंड देन अमोनिया. और ये चीज मैंने आपको बोली है कि ये कब कब होगा, जब आपका आर ग्रुप क्या क्या हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी. 213 याद रखो, 213 दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, 213 दिस इज द ऑर्डर. एंड
एंड इफ आर ग्रुप, इफ आर ग्रुप देयर कम्स अनदर पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट क्या है, इफ आर ग्रुप इज इथाइल, अगर आर ग्रुप इथाइल हो जाए, सी एच टू सी एच थ्री हो जाए, तो ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1, टू थ्री वन। एज आप लोगों को ये चीजें क्या करनी है, सिंपली याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिकली डिटरमिंड ऑर्डर, सो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक। सो सिंपली रिमेंबर दिस ऑर्डर इन द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, दिस वन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। If we have to compare the basic strength of these two molecules, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नाइट्रोजन क्या है, localized है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, ये भी localized है, ठीक है। अगर फिर हम इनका क्या देखें, if we see यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका hybridization, so नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 3 sigma bond एक lone pair sp3, यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 3 sigma bond एक लोन पेयर sp3, दोनों में लोकलाइज्ड है, दोनों में ये क्या है आपके sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के ऊपर है। अब कैसा डिसाइड करें, देखो यहाँ पे क्लास एक चीज याद रखना कि दोनों में ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दीज ग्रुप्स कार्बन है ना, ये CH2, 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 ये भी CH2, CH2 ग्रुप्स लगे हैं, जो कि क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, प्लस आई लगा रहे हैं, राइट। एंड सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, ठीक है। अब याद रखना एक चीज कि जो साइक्लिक अमीन है, दिस साइक्लिक अमीन इज मोर बेसिक इन दिस केस than acyclic amine, क्यों, रीजन क्या है, देखो क्लास होता क्या है, यहां पे क्या है, अगर आप इस नाइट्रोजन को देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके जो तीनों बॉन्ड्स हैं, इनका ओरिएंटेशन और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर से इनका ओरिएंटेशन जो है वो काफी दूर है, तो इनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो कम है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर देखो एंड दिस, ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स, ठीक है, ये क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा है, तो होता क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो कंपेयर्ड टू दिस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे क्या है, कम है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल is what it is more basic compared to B. तो ये चीज याद रखो that cyclic amine जो है this is more basic than acyclic amine because in acyclic amine basic strength या basicity decreases due to लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस विच यू ऑल रिमेम्बर, ठीक है।
नाउ लेट अस सी अनदर टाइप ऑफ रेजोनेंस. हमने वैसे रेजोनेंस को सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है. अभी यहाँ पे मैं आपको एक और अलग टाइप का रेजोनेंस पढ़ाने वाली हूँ, जिसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस और बेंट बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, डांसिंग रेजोनेंस एज सच होता क्या है, ठीक है ना. यहाँ पे इट इज बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ साइक्लोप्रोपेन, सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, है ना. अब साइक्लोप्रोपेन में आपको पता है कि कार्बन जो है, दिस कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में बिटवीन ये जो दो बॉन्ड्स है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, जबकि ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के चार बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं. एंड अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109.5 डिग्रीज या 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए. होना तो ये चाहिए बॉन्ड एंगल, बट यहाँ पे आप देख रहे हो sp3 कार्बन होने के बावजूद जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, इट इज नॉट 109 डिग्री, इतना नहीं है. सो दैट मीन्स जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका बॉन्ड एंगल उतना नहीं है. तो यहाँ पे एक तरह का स्ट्रेन प्रेजेंट होगा रिंग में, जिसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन. तो यहाँ पे देखो एंगल स्ट्रेन कितना है, एंगल स्ट्रेन कितना है, होना चाहिए था बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, रफली मैंने इतना ही ले लिया, बट है कितना, ओरिजिनली 60. सो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना हो गया, देयर इज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बोल सकते हैं, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे 49 डिग्रीज का है, ठीक है, यहाँ पे 49 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन है. इसीलिए जो साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक रिंग क्या होती है, बहुत ही अनस्टेबल होती है, ठीक है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है. या आप बोल सकते हो कि रिलेटिवली कंपेयर टू दी हायर रिंग्स लाइक साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है. अब एक यहाँ पे चीज होती है, विच इज कि हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से, देखो हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के, आई मीन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, इस तरह से आपके जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स है वो ओवरलैप करेंगे, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा. बट होता क्या है, हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो कार्बन है, इनके जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, दे ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, ये ऑर्बिटल्स स्लाइटली बेंट हो जाते हैं. दीज ऑर्बिटल्स आर व्हाट, दीज आर स्लाइटली बेंट इन नेचर, ये ऑर्बिटल्स स्लाइटली बेंट होते हैं, होने चाहिए थे बिल्कुल कैसे, बट ये यहाँ पे क्या है, दीज आर स्लाइटली बेंट. ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हो गए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से, हाई एंगल स्ट्रेन जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स आप देख सकते हो कि दीज आर व्हाट, दीज आर स्लाइटली बेंट इन नेचर, ठीक है, दीज आर बेंट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर बेंट इन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट. और अगर ये बेंड ऑर्बिटल्स हो गए तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग, दिस ओवरलैपिंग इज वेरी वीक ओवरलैपिंग, बेंड ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये ओवरलैपिंग क्या है, बहुत ही वीक ओवरलैपिंग है, वेरी वीक ओवरलैपिंग, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन.
ठीक। अब देखो, एंड ये जो कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, दीज आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स रिलेटिव। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो क्या हो गए, वीक हो गए, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है कंपेयर टू द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हुआ साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो साइक्लोप्रोपेन में आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है वो बेंट ऑर्बिटल्स है, जिनमें बहुत वीक ओवरलैपिंग होती है। वीक ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफी वीक होते हैं। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। अब मैंने ले लिया ये मॉलिक्यूल विच इज ये, अब ये कार्बोकटायन है, साइक्लोप्रोपाइल और ये मिथाइल। सो दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सीपीएम। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, सी। सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सीपीएम। अब देखो सीपीएम में क्या होता है, सीपीएम में ये कार्बोकटायन है, दैट मींस ये CH2 है ना, ये CH2 है, CH2 एंड हैविंग अ वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है, कार्बोकटायन का मतलब कार्बन, ठीक है, दो हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और हमें पता है कि साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं उनमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बेंट होते हैं। अभी मैंने आगे दिखाया था, दे हैव बेंट ऑर्बिटल्स दिखाया था आगे। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेंट होते हैं। क्यों, हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से, हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ये इनके ऑर्बिटल्स बेंट होते हैं। अब ये जो कार्बन है ये प्लेनर है, कार्बोकटायन, तो इसका ऑर्बिटल क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है ना, इफ यू ऑल रिमेम्बर कार्बोकटायन में बताया था। तो अब ये जो कार्बोकटायन है इसका जो ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल है, ये हो गया, दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकटायन, वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकटायन। दिस इज वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकटायन, और ये क्या हो गया, ये आपके हो गया बेंट ऑर्बिटल ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल रिंग। दिस इज द वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकटायन, दिस इज द बेंट ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग, और आप देख सकते हो कि ये दोनों हो गए एक दूसरे के पैरेलल। ये दोनों क्या हो गए, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इफ यू ऑल रिमेम्बर मैंने रेजोनेंस में क्राइटेरिया लिखवाया था, और वो क्या बताया था, दैट रेजोनेंस होने के लिए एटम्स जो होने चाहिए वो सेम प्लेन में होने चाहिए, एंड ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट। यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल्स हो गए पैरेलल। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि ये जो आपके बेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं दीज आर वेरी वीक बॉन्ड्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी डीलोकलाइज्ड इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल एज द ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन को ये काफी फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेंट ऑर्बिटल से ये जंप करके जा सकते हैं आपके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, खुद को डीलोकलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने अगर इसमें भेज दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह गया, तो ये दोनों ओवरलैपिंग करके यहाँ पे क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। और ये वाला जो कार्बन है अभी इसका ऑर्बिटल एक खाली हो जाएगा, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दी रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस इन दिस मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, या बेंट रेजोनेंस बोलते हैं, या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस और बेंट रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, अगर मैं इसको दिखा दूं,
दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, इन शॉर्ट क्या बोला इसको, सीपीएम बोला। तो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन, अभी क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आ गया वेकेंट ऑर्बिटल, सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइज करें तो क्या होगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे पॉज, सो ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, जो बॉन्ड आपको इनिशियली सिंगल दिख रहा था वो, दैट मींस अभी क्या है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जो बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा था, राइट, ये वाले, वो एक बार बॉन्ड बना भी रहा है, एक बार बॉन्ड नहीं भी बन रहा, सो दैट मीन्स इट इज अ पार्शियल सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्शियल सिंगल बॉन्ड। एंड यू कैन सी पॉजिटिव चार्ज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन में, जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर था, अभी वो इन दोनों कार्बन के ऊपर भी डीलोकलाइज हो रहा है, सो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, राइट, एज इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, सो दिस इज प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल, सो दिस इज दी ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल डांसिंग रेजोनेंस। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैंने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज डांसिंग रेजोनेंस और बेंट रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस और बेंट रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। यस, बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि अगर अब हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ये देखो ये कौन सा कटायन है, दिस इज योर सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, ठीक है, सीपीएम है, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, ये कार्बोकटायन। हमें इन दोनों की क्या कंपेयर करनी है, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू कार्बोकटायंस, वी नीड टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू कार्बोकटायंस। देखो अभी हमने कार्बोकटायंस में क्या क्या देखा है, कि यहाँ पे प्लस आई लगेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस इज द अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन है, सो दिस इज हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज ऑल्सो हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, बट देन यहाँ पे कोई रेजोनेंस का क्राइटेरिया नहीं है, बट ये क्या है, ये आपका सीपीएम है, और सीपीएम को देख करके आपको ये लगेगा कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, बट अभी हमने पढ़ा दैट सीपीएम में क्या प्रेजेंट होता है, डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिस्पर्स होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो है इस कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकटायन, ठीक है। इज दैट क्लियर, बोलो क्लास क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ले लेते हैं ना,
नेक्स्ट वर्ड आई एम टेकिंग इज ये हो गया आपका सीपीएम और ये हो गया आपका बेंजाइल कार्बोकोटाइन. बेंजाइल कार्बोकोटाइन तो इसके पहले हमने बहुत बार देखा है, राइट? सो सीपीएम एंड बेंजाइल कार्बोकोटाइन में नाउ रिमेम्बर दैट. यहाँ पे अब आपको ये चीज याद रखनी है, नोट करके ये पॉइंट लिखना होगा, ठीक है, कि सीपीएम की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकोटाइन से स्लाइटली ज्यादा होती है. इवन दो लोगों को लग सकता है कि बेंजाइल कार्बोकोटाइन में तो रेजोनेंस ज्यादा है, डबल सिंगल प्लस, राइट, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे क्या होगा, इस रिंग में रेजोनेंस होगा, सो इसमें भी रेजोनेंस है और यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस है, ठीक है. बट आप लोग इसको याद रखो कि सीपीएम में जो स्टेबिलिटी है वो बेंजाइल कार्बोकोटाइन से स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है, स्लाइटली ज्यादा. सीपीएम इज slightly more stable than benzyl carbocation, ठीक है, slightly more stable than benzyl carbocation because of the release of 49 degree एंगल स्ट्रेन. क्योंकि यहाँ पे इसका जो एंगल स्ट्रेन था 49 डिग्रीज का, वो क्या हो रहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो एंगल स्ट्रेन खत्म हो रहा था, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी इनहांस होती है और वो बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है. सो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट सीपीएम इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हो गया ये सीपीएम, अगर ये सीएच टू प्लस था तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन था, राइट, दिस वाज बेंजाइल कार्बोकैटायन. बट यहां पे देखो हमने क्या किया, एक और रिंग जोड़ दिया, है ना. अगर सीएच टू प्लस था एक ही बेंजीन रिंग की तो वो बेंजाइल था, यहाँ पे दो रिंग्स आ गई. Now you have to compare the stability of these two. अब क्या होगा, CPM की stability जो है, CPM की stability जो है वो क्या थी, वो benzyl से थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी ज्यादा थी. But अभी इस molecule में यहाँ पे दो rings आ गई, तो यहाँ पे resonance क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा. तो अभी कौन ज्यादा stable हो जाएगा, out of these two, this is going to be more stable. This is not benzyl. अभी दोनों तरफ rings आ गई. तो इसमें रेजोनेंस काफी ज्यादा होगा ना, तो ये बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है. दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन बेंजाइल. एंड ये सीपीएम सिर्फ बेंजाइल से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे दो रिंग्स के रेजोनेंस को क्या करे, ओवरशैडो कर जाए. सो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सीपीएम. ये सीपीएम से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्लियर है. Next example, if we see, is मान लो हमारे पास है this is the carbocation और now out of these two, इन दोनों में अगर हमें stability compare करनी है तो कौन ज्यादा stable होगा, ठीक है. इन दोनों में स्टेबिलिटी करनी है कंपेयर, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा. इफ यू ऑल रिमेम्बर मैंने क्या लिखवाया था, जब कोई कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है ड्यू टू प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. उसके बाद प्लस एम या उसके बाद रेजोनेंस ड्यू टू पाई बॉन्ड, उसके बाद रेजोनेंस ड्यू टू पाई बॉन्ड, याद आया आप लोगों को,
मैंने क्या लिखवाया था, कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब वो उसमें प्लस एम होता है ड्यू टू लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल और इसमें देखो ये सीपीएम है, सीपीएम में तो हमें पता है कि डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड दिस इज दी, इसमें क्या रेजोनेंस होगा, इसमें बिल्कुल रेजोनेंस होगा, दिस इज दी वेकेंट ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर। जब वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं तो लोन पेयर डिलोकलाइज होगा वेकेंट ऑर्बिटल में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये इफ यू रिमेम्बर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, इसमें आप देखो सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस इज ऑब्वियसली ये आपका क्या है, दिस इज पोलर, बट इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिंस सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी स्टेबल होता है। तो मैंने क्या लिखवाया था कि ऐसा कार्बोकैटायन जो कि प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर से स्टेबल हो, वो बहुत स्टेबल होता है, राइट। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस तो है, बट यहाँ पे प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर है, जिसकी वजह से आपका ये काफी स्टेबल होगा, क्योंकि होता क्या है, डीलोकलाइजेशन के बाद जो हर एक एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सीपीएम, और सीपीएम बेंजाइल कार्बोकेटायन से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। सो लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, कार्बोकैटायन दिख रहा है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप्स होंगे वो क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे, एंड देन इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, सो दिस इज हैविंग थ्री अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको देखो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस आई, तो ऑब्वियसली इसमें तीन साइड से लग रहा है, इसमें प्लस आई तीन साइड से लग रहा है ना, यहाँ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अगर अल्फा हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, इसके पास तीन हो गए, इसके पास कितने हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, राइट। सो दिस इज हैविंग सेवन अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो तो क्या होगा, दिस इज द कार्बन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन, राइट। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, ये आपका क्या प्रेजेंट है, सीपीएम है, तो सीपीएम में क्या प्रेजेंट होगा, डांसिंग रेजोनेंस। डायरेक्टली आंसर इससे निकालो, इन सब में रेजोनेंस नहीं है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, जिसकी वजह से इसका 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन क्या होगा, रिलीव होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की, एंड देन सी की। नाउ लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे पहली चीज तो ये बताओ, क्या ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इज दिस लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, दिस एग्जैक्टली दैट स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, ये जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, अगर आप लोगों को याद हो पढ़ाया था मैंने ये जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो ऑर्बिटल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर, मैंने पढ़ाया है ये चीज, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये डीलोकलाइज्ड है। क्यों डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डांसिंग रेजोनेंस, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस वन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, क्यों लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होता है, जो खाली ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद द पाई बॉन्ड्स, इसका मैंने इमेज भी शेयर किया था, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली ब्रेट्स रूल। तो ब्रेट्स रूल क्या बोलता है, ब्रेट्स रूल बोलता है दैट अ डबल बॉन्ड कैन नॉट बी placed at the bridgehead
ब्रिज हेड ऑफ अ ब्रिज्ड ऑफ अ ब्रिज्ड रिंग सिस्टम अनलेस द रिंग्स आर लार्ज इनफ। ये एक मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवा दिया अकॉर्डिंग टू द ब्रिट्स रूल, बट लेट मी एक्सप्लेन होता क्या है, ठीक है? उसके हिसाब से आप समझ जाओगे ब्रिट्स रूल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, आई एम टेकिंग, मैंने एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया, आई हैव टेकन अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ये कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, दिस इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है? ओके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में इस हाइड्रोजन को हटा दूं, H प्लस H माइनस हटा दिया, और यहाँ पे हमने क्या जनरेट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, सो दिस इज द कार्बोकैटायन, ठीक है? या क्या किया, इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में इंस्टेड ऑफ लाइक हाइड्रोजन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस ब्रिजहेड वाले कार्बन का, ये कौन सा कार्बन है, दिस इज द ब्रिजहेड कार्बन, एंड अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना है, sp2। सिमिलरली अगर आप इस कार्बन का, विच इज अ ब्रिजहेड कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो ये यहाँ पे भी क्या है, sp2 है। अब sp2 के हिसाब से ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्रीज होना चाहिए, है ना, प्लेनर 120 डिग्रीज होना चाहिए फॉर दिस ब्रिजहेड कार्बन, राइट? ये बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, यहाँ पे जो आपको बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली ऐसे होने चाहिए, बट ये एक्चुअली आपको बॉन्ड्स दिख कैसे रहे, ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है? तो बॉन्ड एंगल 120 नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, देयर इज ह्यूज एंगल स्ट्रेन एग्जिस्टिंग अगर ब्रिज हेड कार्बन वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो, ठीक है? क्योंकि इसको फिर प्लेनर होना पड़ेगा, और यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम की वजह से ये प्लेनर नहीं हो पा रहा, तो देयर इज ह्यूज एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज एंगल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है? और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, दे डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे कैन नॉट गेट प्लेनर। sp2 का मतलब है कि दे नीड टू बी प्लेनर, ठीक है? बट ये प्लेनर नहीं हो सकते, दे कैन नॉट गेट प्लेनर, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, एंड देयरफॉर ये एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट। As such, ठीक है? अगर मान लो किसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इवन इफ दे आर फॉर्मड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ टाइम, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है? बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, इसी रूल को क्या बोलते हैं, ब्रेट्स रूल बोलते हैं। ब्रेट्स रूल के हिसाब से जो ब्रिजहेड कार्बन है वो आपका क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, या तो इसका मतलब वहां पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, या फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट इफ यू कंसिडर, अगर मैंने ये ले लिया एक लार्ज रिंग ले लिया, ये भी बाईसाइक्लिक सिस्टम है, ये भी बाईसाइक्लिक सिस्टम है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है? तो ये भी फ्यूज्ड कार्बन है, ठीक है? दो रिंग्स को जोड़ने वाला कार्बन है, ठीक? अब अगर आप इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो बॉन्ड एंगल है, मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कार्बोकैटायन, बट अगर आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखो तो बॉन्ड एंगल 120 है। मतलब एक लार्जर रिंग में यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, ठीक है? अगर आपकी रिंग बहुत बड़ी है तो वहां पे ब्रिजर्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि रिंग काफी बड़ी है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आपको दिखाई नहीं दे रहा, सो इट्स अ 10 मेंबर्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्या ले लो, कार्बन आयन ले लो, ये बना दिया या ऐसे बना दिया, ठीक है, कार्बन आयन ले लो, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। sp3 क्या होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर का शेप क्या होता है, पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज स्टेबल, ठीक है, स्टेबल है क्योंकि इसको प्लेनर नहीं होना है, तो यहाँ पे भी कोई एंगल स्ट्रेन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो एक चीज जो एक कॉन्क्लूजन समझ में आया ड्यू टू द ब्रेट्स रूल इज दैट कि ब्रिजेड कार्बन पे स्मॉलर रिंग्स में, ब्रिजेड कार्बन पे स्मॉलर रिंग्स में आपका पॉजिटिव चार्ज या आपका डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, राइट? सो दिस इज द ब्रेट्स रूल, इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, सो क्या बोला मैंने कि व्हेन ब्रिजहेड एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड अप टू 8 मेंबर्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल। तो क्या हो गया यहाँ से, कॉन्क्लूजन क्या आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ब्रिजेड एटम इज अनस्टेबल अप टू 8 मेंबर्ड बाईसाइक्लो, 8 मेंबर्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, रीजन क्या बताया मैंने, हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, दिस इज ब्रेट्स रूल, ठीक है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं यूजिंग ब्रेट्स रूल, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हमें यहाँ पे चार मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करनी थी, जिसमें क्या था, ए बी सी एंड डी, इन सब में पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है और सब में क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, ठीक है ना। और अगर हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो 6 है, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 6, बट उसमें से सिर्फ 5 इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। द वन विच इज प्रेजेंट एट द ब्रिजहेड कार्बन, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए ये बनेगा ही नहीं, एंड देयर फोर आपका ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। सो इसका मतलब इसमें सिर्फ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5। सिमिलरली व्हेन वी कम टू दिस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और वो बहुत इजिली हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बट आउट ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। दैट मीन्स ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, सिर्फ एक इन्वॉल्व होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, प्लस एच में, प्लस एच, यहाँ पे प्लस एच जो लग रहा है, प्लस एच जो लग रहा है वो 5 अल्फा हाइड्रोजन से लग रहा है, यहाँ पे प्लस एच 1 अल्फा से लग रहा है, यहाँ पे प्लस एच 2 अल्फा से लग रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये तो हाईली अनस्टेबल है, यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करनी है। ये क्या है, ब्रेट्स रूल के हिसाब से दिस इज
हाईली हाईली अनस्टेबल, क्यों? ब्रिजेड कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो प्लेनर नहीं हो सकता, बिकॉज इफ इट गेट्स प्लेनर इट डिमांड्स और इट नीड्स टू बी प्लेनर बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट बिकॉज ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर इट कैन नॉट गेट प्लेनर। तो ये हाईली अनस्टेबल है ब्रेट्स रूल के हिसाब से। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल कौन है? डी है, ठीक है। नाउ आउट ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, और यहाँ पे कितने? पांच। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए होगा, उसके बाद कौन होगा? सी होगा, उसके बाद कौन होगा? बी होगा, एंड देन लीस्ट स्टेबल इज डी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंड नाउ अभी हम देख सकते हैं, हमने अगर ब्रेट्स रूल नहीं पढ़ा होता तो हम यहाँ पे छह अल्फा हाइड्रोजन मानते, बट अब क्योंकि हमने ब्रेट्स रूल पढ़ लिया तो हमें पता है कि ब्रिजेड वाले कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जाने में डबल बॉन्ड आएगा और ब्रिजेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बट इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट गेट दैट प्लेनारिटी, देयरफॉर बहुत अनस्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है। Is that clear? ठीक है। Now let us compare the basic strength। एक मॉलिक्यूल लिया मैंने यहाँ पे, व्हिच इज ये है ए, ये है बी, ठीक है। हमें इन दोनों में क्या कंपेयर करना है? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, मतलब बेस तो यही बनेगा। अब देखते हैं कि लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। सो लोन पेयर सिंगल डबल, ये क्या होगा? डीलोकलाइजेशन में जा रहा है ना, डीलोकलाइजेशन में जाएगा, अच्छी बात है। सो दैट मीन्स ये होगा ओ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे प्लस, सो दिस इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, अगर ये डीलोकलाइज होता है, लोन पेयर सिंगल डबल इफ इट इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड, तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ओ पे माइनस आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, एंड दिस इज, सो नाइट्रोजन, अगर आप यहाँ पे देखो, सो नाइट्रोजन इज द ब्रिज हेड एटम इन दिस केस। नाइट्रोजन यहाँ पे ब्रिज हेड एटम है, और ब्रिज हेड एटम पे मैंने अभी क्या लिखवाया था? डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ब्रेट्स रूल कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आए। सो ये क्या होगा? ब्रेट्स रूल के हिसाब से, ब्रेट्स रूल के हिसाब से ये हाईली अनस्टेबल है, देयरफॉर ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और जब ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ब्रेट्स रूल के हिसाब से लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गया। अब तो आंसर क्लियर है, ये है लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। सो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? व्हिच इज मोर बेसिक? ऑब्वियसली लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक दैन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। सो यहाँ पे भी किसका एप्लीकेशन आ गया? ब्रेट्स रूल का एप्लीकेशन आया। सो लेट अस स्टार्ट अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप के रिएक्शंस, या एसिड बेस जिसमें गिवन होगा, एंड वी कैन सी दैट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल है या बैकवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल है, ठीक है। तो देखो, फर्स्टली आई एम टेकिंग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज आई हैव टेकन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, एंड इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एन एच थ्री के साथ, ठीक है। तो क्या बना? ये आया NH2 माइनस NA प्लस। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ एसिड बेस्ड रिएक्शन। कैसे? इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो ये जो मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस,
राइट, इस सी माइनस ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन लिया हुआ है NH3 से, और ये खुद को किसमें इसने कन्वर्ट कर लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। सो दैट मीन्स ये क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस होता है, सो दिस इज एक्टिंग एज द बेस, और बेस का बनता है क्या, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, NH3 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब NH3 ने क्या किया है, H प्लस दिया है, किसको दिया है, ऑब्वियसली सामने वाले स्पीशीज को दिया है, सो NH3 ने हाइड्रोजन दिया है, दिस इज प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये क्या बनेगा, एसिड होगा, दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर था, सो दिस इज बेस, ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये एसिड हुआ, और प्रोटॉन डोनेट करके NH प्लस, इसने H प्लस निकाला, तो ये खुद को किसमें कन्वर्ट किया, इसने NH2 माइनस में। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, एसिड, और ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो देखो सामने सेम चीज है, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो तो ये हुआ एसिड और ये हुआ बेस, बट अगर यही रिएक्शन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, दैट मीन्स यहाँ से ये एच प्लस निकाल रहा है, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हुआ एसिड, इसने एच प्लस दिया, राइट, और ये एन एच टू माइनस ने एच प्लस ले लिया, और ले करके खुद को एन एच थ्री में कन्वर्ट किया, सो ये बन गया बेस, दिख भी रहा है, ये मैंने एसिड लिखा हुआ है, ये बेस लिखा हुआ है, सो दिस इज एसिड, दिस इज बेस, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एसिड ये बेस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वाला एसिड और ये वाला बेस। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, दैट इज दिस रिएक्शन फीजिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल है या बैकवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल है। तो देखो इस तरह के रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है, लेट सपोज आई एम टेकिंग, या तो आप क्या करो, एसिड एसिड को कंपेयर करो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, या बेस बेस को कंपेयर कर लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, आप किस जो भी स्पीशीज फॉरवर्ड में ले रहे हो वही स्पीशीज बैकवर्ड में ले लो, लाइक इफ आई एम टेकिंग कंपेयरिंग एसिड, तो एसिड एसिड को कंपेयर करेंगे, या हम बेस कंपेयर कर रहे हैं तो बेस बेस को कंपेयर करेंगे, सो आई एम टेकिंग व्हाट, आई एम टेकिंग बेस, बेस को कंपेयर करते हैं, ये है हमारा बेस और ये है हमारा बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर है, sp कार्बन, याद रखना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज ऑन sp3 नाइट्रोजन, अब बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ये लिखवाया है पॉइंट मैंने, सो नेगेटिव चार्ज ऑन sp कार्बन इज व्हाट, मोर स्टेबल, है ना, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, सो दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल का मतलब क्या होगा, ये जो बेस है ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये रिएक्टिव कम होगा, दिस इज लेस रिएक्टिव, और ये वाला जो बेस है ये क्या है, दिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल का मतलब ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। अब जरा ध्यान से देखना क्लास, आप लोग बताओ ये वाली स्पीशीज क्या है, कम रिएक्टिव है, और ये वाली स्पीशीज ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन फटाफट रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, आपकी ये वाली स्पीशीज करेगी, ये स्पीशीज अगर रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसमें के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इट विल बी लेस देन वन, तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका के इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी दिस इज गोइंग टू बी लेस देन वन, या फिर हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन या इट इज नॉट फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक ही बात है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर क्लास, बोलो क्लियर हुई ये चीज, तो मैंने क्या बताया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, आप या तो एसिड एसिड की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो या बेस बेस की, हम बेस बेस को कंपेयर कर रहे हैं, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा,
राइट, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. लेट्स सपोज अगर ले लिया हमने यहाँ पे आप करके देख लो एसिड, आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा. बट आई हैव टेकन ओनली वन कॉन्सेप्ट एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रही हूँ. दिस इज CH3SH. आप वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा. ठीक है, नाउ इफ यू ऑल सी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन रिएक्शन किस तरफ फेवर्ड है तो हम देख लेते हैं. ये देखो, ये है, इसने H प्लस डोनेट किया, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो गया CH3OH में, सो दिस इज बेस. और इसने क्योंकि डोनेट किया, डोनेट करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सो ये एसिड. तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो ये एसिड है, ये बेस है. अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो तो इसने H प्लस निकाला बाहर और खुद को इसमें कन्वर्ट किया, तो ये एसिड बन गया. और इसने क्या किया, H प्लस लिया है, H प्लस ले करके इसको अपने आप को कन्वर्ट किया इस स्पीशीज में, सो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बेस है. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, बेस बेस को कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, सो बेस बेस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑन सल्फर. अब बताओ, आपको याद होगा जब मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, और एक ये करवाया था C माइनस N माइनस O माइनस, ठीक है, F माइनस, ये तो इसमें मैंने बोला था पीरियड में हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ग्रुप में हम क्या चेक करते हैं, साइज. याद आया कुछ आप लोगों को, राइट? सो ऑक्सीजन एंड सल्फर जो होते हैं दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, राइट, सेम ग्रुप. सो सेम ग्रुप में हम क्या चेक करेंगे, साइज चेक करेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो हम साइज चेक करेंगे. तो साइज के हिसाब से नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विच इज मोर स्टेबल. ध्यान देना क्लास, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा. सो नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फर इज मोर स्टेबल. मोर स्टेबल का मतलब ये हो गया लेस रिएक्टिव, और ये क्या हो गया, ये हो गया लेस स्टेबल का मतलब मोर रिएक्टिव. अगर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शन उसके हिसाब से प्रोसीड करेगी, तो यहाँ पे रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, यहाँ पे रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, यहाँ रिएक्शन प्रोसीड करेगी मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ, याद रखना. ठीक है, ठीक है, तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स द आई मीन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इट विल बी मोर देन वन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर देन वन, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस देन वन. इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखो, नाउ कम्स रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट. ऐसा ही है, बस उसमें हम एक सोडियम बाइकार्बोनेट एक स्पीशीज को ले रहे हैं. ठीक है, आई हैव टेकन अ मॉलिक्यूल विच इज योर बेंजोइक एसिड. ये बेंजोइक एसिड हो गया. ठीक है,
एंड व्हाट आई एम टेकिंग इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, NaHCO3। आपको पता है कि H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, मतलब ये दिस इज कार्बोनिक एसिड, राइट? अब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, H प्लस के फॉर्म में निकाल दिया बाहर। जो आपने H प्लस के फॉर्म में निकाला, इस पे आया माइनस, और होगा बनेगा कैसे? NaOH आकर के यहाँ से H प्लस एक निकाल के जाएगा, तो वाटर बन गया एंड देन सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। सो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने यहाँ पे एक एसिड लिया हुआ है एंड देन आई एम टेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करा रहा है तो क्या होगा, ओ माइनस यहां से एच प्लस लेगा, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू सीओ माइनस, और ये किसमें आ गया, H2CO3 में आ गया, H2CO3 में आ गया। देखो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का कुछ ऑर्डर लिखवाया था। मैंने लिखवाया था HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आया? उसके बाद कार्बोनिक एसिड, याद आया? मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, उस ऑर्डर के हिसाब से बेंजोइक एसिड इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक एसिड, और रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड करती है। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ प्रोसीड करती है, याद रख लो उस चीज को। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड करेगी। सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है लेफ्ट साइड में, वीक एसिड है राइट साइड में। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड करेगी। सो डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको बिना यूज किए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दिया कि रिएक्शन आगे जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, के इक्विलिब्रियम मोर देन वन। मैं अपने वाले मेथड से भी अभी इसको सॉल्व करूंगी, बट डायरेक्टली जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सो अगर ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, सो इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, के इक्विलिब्रियम मोर देन वन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब भी आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा रिएक्शन में, आपके रिएक्शन क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो प्रोडक्ट ये दोनों बन रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे तो इसका मतलब कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है प्रोडक्ट। कार्बोनिक एसिड जब भी बनेगा, कार्बोनिक एसिड हमेशा डिसोसिएट हो जाता है इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, याद रखना ये चीज। वेन एवर कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, इट विल डिसोसिएट इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, और जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो एफर्वेसेंस, इनफैक्ट लैब आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक टेस्ट होता है एसिड का टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है, उसमें हम क्या डाल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे आप डालोगे, वहां पे आपको एफर्वेसेंस दिखाई देता है, छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है, एफर्वेसेंस। और वो एफर्वेसेंस क्यों आता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। सो ये टेस्ट होता है एसिडिक एसिड को कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म करने के लिए, जब हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन को मैंने कैसे सॉल्व किया, कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक एसिड, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। अब जो मैंने अभी पुराना कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये वाला कि आप बेस बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल बेस होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, अनायन, अनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। सो अगर आप अनायन की स्टेबिलिटी देखो तो क्या होगा, दोनों में अनायन रेजोनेंस में जा रहा है, दोनों में अनायन रेजोनेंस में जा रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल, इसमें भी नेगेटिव सिंगल डबल। अब जरा ध्यान से देखना, दोनों में ही आपके नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है, ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे,
यहाँ पे भी ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे, बट इसमें डीलोकलाइजेशन, मोर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे मोर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जरा ध्यान से देखना क्लास, ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, इसके ऊपर ये वाला जो ग्रुप है ये क्या लगा रहा है? माइनस एम, मतलब ये कीटोन का माइनस एम लग रहा है, ठीक है. और जरा आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये ग्रुप लगा रहा है इसके ऊपर माइनस एम, ठीक है. एस्टर वाला ग्रुप लगा रहा है माइनस एम. कीटोन का माइनस एम ज्यादा स्ट्रांग होता है या एस्टर का माइनस एम ज्यादा स्ट्रांग होता है? कीटोन का माइनस एम ज्यादा स्ट्रांग होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है. ये चीज याद रखना, माइनस एम ऑफ सीओ इज ग्रेटर देन माइनस एम ऑफ एस्टर. क्यों? या एसिड, यहाँ पे कोई भी जो ग्रुप लगा दो मैं, ऐसा क्यों है क्लास? इसका मैं रीजनिंग भी आपको दे रही हूँ. देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये जो पाई बॉन्ड है सीओ, जो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में भेज रहा है, डीलोकलाइजेशन में भेज रहा है, ये डबल बॉन्ड एक्चुअली इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है. और अगर ये इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इस बीच में जो सीओ बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस सीओ बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन इस नेगेटिव चार्ज के साथ 100% नहीं है. यहाँ पे ये जो सीओ बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवा रहा है, 100% इसके साथ इन्वॉल्व है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सीओ है वो 100% इस नेगेटिव चार्ज के साथ इन्वॉल्व नहीं है, इसका इन्वॉल्वमेंट इसके साथ भी है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली कम डीलोकलाइज करेगा. सो द नेगेटिव चार्ज इज लेस डीलोकलाइज्ड एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, राइट. क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर ही रेजोनेंस प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन कम हो गया, उसका डीलोकलाइजेशन कम हो गया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा. और ये क्या होगा बोलो, दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल. मोर स्टेबल का मतलब क्या हो गया, ये बेस लेस रिएक्टिव. और ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव. अगर ये मोर रिएक्टिव बेस है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया. और ये लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वीक बेस हो गया. सो रिएक्शन हमेशा किधर से किधर जाएगी, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ. अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अभी भी आंसर सेम ही आ रहा है, मैंने आपको डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से बता दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ, या अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर सिखाया था कि आप स्टेबिलिटी चेक कर लो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा वीक बेस. सो दिस इज लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ. मैंने बोला है रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड होगी, सेम चीज आ रही है ना, सेम आंसर आ रहा है. अब बताओ मेरा क्वेश्चन है कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस या एफोवेसेंस आएगा? विल देयर बी एनी एफोवेसेंस इन दिस रिएक्शन, विल देयर बी एनी एफोवेसेंस इन दिस रिएक्शन? Will there be any effervescence in this reaction? There will not be any effervescence. No effervescence. कोई effervescence नहीं आएगा. In fact, no reaction. ये तो मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिया. In fact, यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? No reaction. Carbon dioxide gas नहीं निकलेगी. No effervescence. क्यों? ये phenol है और ये carbonic acid है. अगर आपको acid वाला order याद हो तो याद होगा आपको मैंने क्या लिखवाया था. कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू फिनॉल. कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वीक एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया.
मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, या फिर आप इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो जैसे मैंने सिखाया है. सो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन वन, दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉट फीजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नो एफर्वेसेंस, नो एफर्वेसेंस. क्यों? नो सीओ टू गैस इवॉल्व. कोई सीओ टू गैस यहाँ पे इवॉल्व नहीं हो रही है. इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, बट अगर आप यही चीज ले लो, यहाँ पे NO2 लगा दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका रिएक्शन करा दो NaHCO3 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. अगर आप लोगों को याद हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो मैंने वहां पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिखाया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाता है क्योंकि ऑर्थो में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो क्या बनेगा, इधर होगा ओ माइनस एन ए प्लस और इधर कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है. एसिडिक स्ट्रेंथ याद है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनॉल से भी कम हो जाती है. सो ये क्या होगा, ये रिलेटिवली यहाँ पे वीक एसिड होगा कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड. रिएक्शन आगे फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करेगी. ठीक है, ये क्या होगा, के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन वन. ये हो गया यहाँ पे वीक एसिड और ये हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, ठीक है क्लास. नहीं, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उस हिसाब से पूछा जा रहा है. क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन एक्चुअली पूछेगा कि क्या ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको एफोवेसेंस मिल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एंड आपको ये मैंने प्रोडक्ट बनाकर दिखा दिया. वहां पे आपको ये प्रोडक्ट बना के थोड़ी ना दिखाएगा, बोलेगा ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में रिएक्शन करा रहे हो, इस रिएक्शन में एफोवेसेंस आ रहा है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है. तो सिंपली जब रिएक्शन ही आगे नहीं जा रही, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है. आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ये दिया है क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट बनाकर दिखा दिया, ये दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. तो आपने इसके हिसाब से बोल दिया, प्रोडक्ट आप बना के चेक कर रहे हो, आपने बोल दिया नहीं रिएक्शन नहीं होगी. बट अगर आपको स्टार्टिंग मॉलिक्यूल या क्वेश्चन में ये दिया है और बोलेगा कि क्या रिएक्शन फीजिबल है, तो आप इसका प्रोडक्ट बना के फिर चेक कर लो. जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, तो आप बोलोगे यस इस डायरेक्शन में रिएक्शन फीजिबल है, इसका मतलब रिएक्शन होगी. सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है.